Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Mutib Hassan and you watch my channel Chashmishtek. Alhamdulillah, Shopify dropshipping ka ek complete course already main complete kar chuka hoon apne YouTube channel ke upar aur jisko student watch karke is time alhamdulillah earning bhi kar rahe hain. Aur is time main start karne ja raha hoon e-commerce ka business in Pakistan. Pakistan ke andar hum e-commerce kaise start kar sakte hain? मतलब कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी और इससे हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या कुछ स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ और आपको एक कम्प्लीट कोर्स देने जा रहा हूँ ई कॉमर्स का, और यह भी इंशाल्लाह कम्प्लीट चैलेंजिंग कोर्स होगा और आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर जिस तरह मैंने शॉपिफाई आपको गाइड किया है इसी तरह पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको इस लेवल का ई कॉमर्स का कोर्स नहीं मिलेगा। आप YouTube जाके सर्च करें, आपको किसी बंदे ने कंप्लीट डिटेल नहीं दी हुई, जस्ट आपको ये गाइड करते हैं कि जी बिल्कुल आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं, आप मार्केट विजिट कर लें, वहाँ से प्रोडक्ट ले लें, आप यहाँ पे जाएं वहाँ से प्रोडक्ट लें, मतलब कि आपको इन डेप्थ जाकर कोई बंदा नहीं गाइड करता कि किस कैटेगरी के अंदर हम काम करें, किस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, मार्केटिंग किस तरह से की जा सकती है, कितनी इन्वेस्टमेंट करें, स्टार्टिंग के अंदर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। आप अगर मुझ पे नहीं यकीन, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, जितने भी आपको कोर्सेज मिलेंगे ई कॉमर्स के रिलेटेड वो सारे आपको 35 मिनट 40 मिनट या 2 घंटे का कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि एक बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो क्या 2 घंटों के अंदर आप बिजनेस वो बंदा आपको गाइड कर सकता है, क्या वो आपको उस लेवल की चीज़ें सिखा सकता है 2 घंटे के अंदर जो चीज़ आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो? हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपको इस बिजनेस को सीखने के लिए कम अज़ कम 20-25 दिन या 1 महीना देना पड़ेगा। अगर आप ये टाइम अपने ऊपर या अपना टाइम ये कवर करते हैं 20-30 डेज के अंदर और इस टाइम जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उन चीज़ों को कवर अप करते हैं तो इंशाल्लाह आप 30 डेज के बाद अपना खुद का ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च करेंगे और उससे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स जनरेट कर रहे होंगे या अर्निंग कर रहे होंगे। तो आपको बताने का मकसद या गाइड करने का मकसद ये है कि जो लोग मंजन सेल कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जस्ट आपको 35 मिनट या 2 घंटे का लेक्चर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लें, 5500 रुपए का है जी, 10000 रुपए का है जी, 20000 रुपए का है, आप वो ज्वाइन कर लें, आप इंशाल्लाह हम इस लेवल का सिखा देंगे कि कोई बंदा आपको सिखा ही नहीं सकता, आपको तमाम चीज़ें दुनिया भर की ई कॉमर्स हम सिखा देंगे। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बंदा आपको 15 से 20 हज़ार रुपए के अंदर सिखा रहा है ना, वो समझ लें कि वो 15 से 20 हज़ार रुपये वो आपसे जो ले रहा है बस वही ले रहा है, वो खुद कोई बिजनेस नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर, जिसमें शॉपिफाई भी कर रहे हैं हम, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और ई कॉमर्स भी कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स का जिस बंदे को नॉलेज है, जिस बंदे को आइडिया है, अगर वो बंदा आपको सिखाता है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उससे सीखना चाहिए या मंजन सेलर से सीखना चाहिए, ये चीज़ आप खुद डिसाइड कर लें। इसके बाद मैं आपको ई कॉमर्स का कंप्लीट मॉड्यूल दूंगा जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ सीखेंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है, वो बंदा के जिसको बिल्कुल हाउ नो नहीं है वो भी बिल्कुल इन सिंपल वर्ड्स मुझसे सीख सकता है कि ई कॉमर्स का बिजनेस हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स के बाद हमने ये सीखना है कि इसके लिए हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद ये क्योंकि मेन चीज़ें हैं, जब आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको पता होगा कि मेरे इतनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगने वाली है, तो आप उस माइंड सेट को बना के देन आप इस फील्ड के अंदर इन होंगे। अगर आप अभी से सीखना स्टार्ट कर देते हैं और आपको चीज़ों का आइडिया नहीं है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, तो फायदा नहीं है कि एंड पे जाकर मैं कहूँ कि भाई आप 5 लाख रुपए लेकर आए फिर आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या फायदा है कि आप 30 दिन जाया भी करें और उसके बाद आपके पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ना हो, आप अपना ई कॉमर्स भी ना स्टार्ट करें और अपने 30 दिन भी जाया कर दें। तो इंशाल्लाह वो भी आपको इन सिंपल वर्ड्स गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने ई कॉमर्स का बिजनेस बिल्कुल लो बजट के अंदर स्टार्ट करना है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप यूट्यूबर्स के बताए गए तरीके से करते हैं तो फिर तो आप कह लें कि वल्ला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो सिर्फ कहेंगे भाई वाओ फैक्टर वाली प्रोडक्ट उठा लें, ये वाली प्रोडक्ट उठा लें, ये वाली प्रोडक्ट उठा लें, हालांकि खुद वो उन प्रोडक्ट के ऊपर हाथ भी नहीं लगा रहे होते, करना तो एक साइड पे है, उनको सोचते भी नहीं है कि उन प्रोडक्ट्स की तरफ मैंने जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 मेथड एडवांस लेवल के वो सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, वो भी लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद आपको सोर्सिंग के मेथड बताऊंगा कि भाई वो प्रोडक्ट्स आपने घर बैठकर ही किस तरह से आपने मंगवानी है,
वो भी होलसेल प्राइस के अंदर, आपको कहीं मार्केट नहीं जानी पड़ेगी, आप घर बैठे आप ऑर्डर करेंगे, आपको होलसेल प्राइस के अंदर वो चीज़ें मिलेंगी। इस लेवल के आपको सोर्सिंग के मेथड बताऊंगा और इंशाल्लाह इसके बाद हम कंप्लीट सीखेंगे किस तरह से हम अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, वो भी अपने वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस इसलिए मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर हमें पैसे कम लगते हैं और हमने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो जो स्टोर हमने क्रिएट कर लेना है उसको वन ईयर के लिए तो हमने टाइम उसको देना ही देना है, तो इसलिए हम वर्डप्रेस के ऊपर अपना लेवल का स्टोर क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, हम फेसबुक से मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम से मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम अपने स्टोर को बिल्कुल फ्री के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर किस तरह से रैंक कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि भाई एसईओ का अकेला कोर्स अगर आप करने जाएँ तो 20 से 25 हज़ार रुपये के अंदर लोग आपको एसईओ का कोर्स करवाते हैं। सिर्फ ये चीज़ सिखाते हैं कि अपनी साइट को पहले नंबर पे किस तरह गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर किस तरह से लेके आए, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर मिलने जा रही है। इसके बाद आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने ऑर्डर्स मैनेज किस तरह से करने हैं, उसकी पैकिंग किस तरह से करनी है, उसको हमने किस तरह से आगे डिलीवर करना है, हमने कौन सा कोरियर डिसाइड करना है, कौन सा कोरियर हमारे लिए बेस्ट रहेगा जो कि हमसे बिल्कुल कम डिलीवरी चार्जेस ले और हमारी प्रोडक्ट ऑन द टाइम उन कस्टमर तक पहुंचा दे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो ऑन द टाइम डिलीवर नहीं हो रही तो उससे कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कि अगर हमसे कस्टमर ही डिससेटिस्फाई हो गया तो फिर उसने परचेज़ क्या करना है, हमने कस्टमर को लॉन्ग टर्म अपने साथ लेके चलना है ताकि वो बार बार हमसे चीज़ें परचेज करें। तो यार काफ़ी डिटेल है इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर, बातें जितनी मर्जी कर ली जाएँ वो कम है, बात वही होती है जो करके दिखाई जाए। अगर आप मेरे नॉलेज की जजमेंट करना चाहते हैं कि भाई तू किस लेवल का कर रहा है या किस लेवल का हमें सिखाएगा, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है या ये वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच कर रहे हैं तो आप सिंपल यूट्यूब चैनल को ओपन करें, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर जाकर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की प्ले लिस्ट को चेक कर लें, उसमें से किसी एक वीडियो को ओपन कर लें और उसके कमेंट बॉक्स में चले जाएं, आपको कमेंट से आइडिया हो जाएगा कि मैं किस लेवल का सिखाता हूं और कितने सिंपल वर्ड्स के अंदर गाइड करता हूं। बाकी जी बिजनेस में कामयाबी जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिलती है, आपकी स्ट्रगल से होती है, आपकी मेहनत आपकी हार्ड वर्किंग से होती है। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आप स्ट्रगल मेहनत हार्ड वर्किंग करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, वो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देती और आपको लाजमी उस लेवल तक पहुंचाती है जिस लेवल की आपने स्ट्रगल की हो, हार्ड वर्किंग की हो। तो ये था आज का एक ओवरव्यू लेक्चर, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था ई कॉमर्स का। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें एंड इस प्लेलिस्ट की कंप्लीट जितनी भी वीडियोस होंगी वो तभी मिलेंगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाया करेगी। अब वहां से जाकर कंप्लीट जितनी भी वीडियोस इसकी बन चुकी होंगी उनको आप वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।